कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश में 5 मई से लागू होगा लॉकडाउन। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार में लॉकडाउन लगाने के फैसले के बाद राजनीति हुई तेज। विपक्ष ने बोला सरकार पर हमला, तो बचाव में आई सहयोगी पार्टी। प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी नहीं थमेगा शादी समारोह, लेकिन सरकार के कई शर्तों का करना होगा पालन। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए सीएम सोरेन ने रांची में संजीवनी वाहन को किया रवाना। अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा संजीवनी वाहन। और कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ा। आईपीएल का 14वां सीजन, कई टीम के खिलाड़ियों के संक्रमण के बाद अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड हुआ खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच आखिरकार बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला ले लिया है। हालांकि पहले सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाने की बात कही, लेकिन बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर आखिरकार सरकार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना ही पड़ा, जिसके बाद सरकार ने 5 मई से लेकर 15 मई तक प्रदेश में सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। वहीं बिहार सरकार ने लॉकडाउन के फैसले के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट ने वर्चुअल माध्यम से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी भी दी है। सरकार द्वारा निर्गत इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी कंटेनमेंट लार्ज कंटेनमेंट एरियाज के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है। दिनांक 4 मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि राज्य में पॉजिटिविटी की दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10% से अधिक बनी हुई है। अतः वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 5 मई से 15 मई तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीटीवी भारत के संपादक राजेश कुमार ने भी सरकार को सुझाव दिया है। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि सरकार आखिर में प्रशासन और जनता के बीच सामंजस्य बनाने के लिए क्या कुछ कर रही है। कुमार है और मैं दिल्ली भारत से बोल रहा हूँ। सवाल तो नहीं है, एक सुझाव है कि कोरोना की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए क्या जो थाना स्तर पे जो शांति समिति की बैठक वगैरह होती रहती है, तो उसमें तमाम जो थाना लेवल पर जो स्थानीय लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं वगैरह वगैरह, उन सबको एक साथ इस कोरोना की जंग की लड़ाई में सब एक साथ मिलकर उनसे अपील करके हम लोग आगे आए तो हमें लगता है कि बिहार या फिर देश स्तर पे भी कोरोना की जंग जीत सकते हैं। एक बार सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है, इसके लिए भी कोई आप लोग प्लान बनाए हैं? और सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त की गई है, उसमें दवा दुकान अस्पताल एम्बुलेंस सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट मिली है। इसमें पत्रकारों को भी छूट मिली है। ट्रेन से यात्रा करने वालों की यात्रियों को भी अनुमति दी गई है। यात्रा के लिए प्राइवेट वाहनों को भी अनुमति दी गई है। तो लॉकडाउन के दौरान जो छूट मिली है आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पत्रकारों को छूट मिली है, ट्रेन से यात्रा कर रहे यात्रियों को छूट मिली है, और इसके साथ ही साथ आवश्यक जो भी कार्य है उसमें भी छूट प्रदान की गई है। और लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, धार्मिक स्थल बंद रखने का फैसला किया गया है। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी। बिना वजह घूमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन भी बंद रहेगा। तो ये लॉकडाउन के दौरान जो भी चीजें बंद हैं आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनावश्यक आवागमन बाधित है, बिना वजह घूमते पकड़े गए तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। और लॉकडाउन में क्या कुछ खास है वो भी आपको बताते हैं। विवाह में 50 लोग से अधिक लोग अब शामिल नहीं होंगे। डीजे और बारात पर प्रतिबंध रहेगा।
अंतिम संस्कार श्राद्ध में 20 लोगों से अधिक लोगों की अनुमति नहीं दी गई है। सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राशन कार्ड धारकों को भी मुफ्त में अनाज मिलेगा। तो ये लॉकडाउन में क्या कुछ खास होने वाला है ये आप देख रहे हैं। वहीं बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के बाद विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा है कि लॉकडाउन करवाना महज एक नौटंकी है। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे देर से फैसला लेने का जिम्मेदार बताया। तो जाप संरक्षक पप्पू यादव ने लॉकडाउन का विरोध किया है। एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मुझको एक बात समझ में नहीं आता है कि जो मानव चयन है, कहीं नर्स नहीं डॉक्टर नहीं, जिसके चलते एक पेशेंट के साथ तीन तीन चार चार आदमी उनके परिवार के लोग रहते हैं, वहीं सोते हैं, उसी के बेड पर सेवा करते हैं, अब वो निकलेंगे तो क्या ये मानव चयन हो गई? अगले बार भी आपने किया, अब फिर आपने 3 महीने के बाद सब कुछ इकोनॉमी चौपट भी कोलैप्स किया, आपने रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस को चौपट कर दिया, आपने होटल बिजनेस को चौपट किया, स्कूल और कोचिंग बिजनेस को चौपट किया, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, आप छोटे छोटे दुकानदार जो थे जिसका जीवन उसी पर था, लोन लेकर के दुकान खोला था, आप उसको बर्बाद कर दिए। बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का अंततः फैसला कर लिया, देर से ही सही, लेकिन सरकार का ये फैसला दुरुस्त है, इसलिए कि अब सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सरकार पूरी तरह से कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में नाकाम साबित हुई। सरकार का पूरा सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है। चारों ओर बिहार में चीख पुकार चित्कार हाहाकार है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, ना अस्पतालों में बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है। तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही सुझाव दिया था। वहीं जहां एक तरफ विपक्ष सरकार के फैसले पर हमला बोल रही है, तो दूसरी तरफ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। नमस्कार, आज बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके ये निर्णय किया है, जो राज्य के लिए आवश्यक था। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। वहीं जहां एक तरफ बिहार में लॉकडाउन के फैसले के बाद जहां विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सरकार पर हमला बोल रहा है, तो दूसरी तरफ अब सहयोगी पार्टी सरकार का बचाव कर रही है। दरअसल डीटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार ने भले ही फैसला देर से लिया है, लेकिन फैसला लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हित में है। लेकिन मुख्यमंत्री की नींद अब खुल चुकी है और आज उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि अब बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लग गया है। ऐसे में मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी, इनसे जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पहले से भी मांग कर रहे थे कि बिहार में लॉकडाउन लगे, साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी मांग की थी, लेकिन देर से इसे ही लेकिन अब लॉकडाउन लगा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, हम लोगों तो बगैर रिसर्च का हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था कि इस हालत में लॉकडाउन लगाना जरूरी है, क्योंकि देश दुनिया में देखा गया कि इसको कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर पहलू पे वो ध्यान रखे थे और रिसर्च के अनुकूल ही उन्होंने जब जरूरी पड़ा तो उन्होंने खुद निर्णय लिए हैं कि लॉकडाउन करने का, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देर कुछ नहीं कहा जा सकता है। आवश्यकता गिरा तो लॉकडाउन लगाया गया, कि बहुत सारे लोगों का था कि नहीं भी लगाना है, तो हम लोग भी चाह रहे थे कि लॉकडाउन लगा के भी कंट्रोल किया जा सकता है, और आज जरूरी पड़ा कि लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता गिरा तो लॉकडाउन लगाया गया, इसमें कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी
जो भी सोच रहे समझ रहे सब चीज़ एकदम परफेक्टली काम हो रहा बिहार के हित में। और अभी मैं खुद मुजफ्फरपुर में अभी जा रहा हूँ, वहाँ के मैं प्रभारी मंत्री बना हूँ, परसों भी मैं वहाँ पे विजिट किया था, अभी फिर जा रहा हूँ। तो एक ज़िला हमें मिला है कोरोना, खास करके कोरोना मरीज को देख रहा हूँ और कहाँ क्या समस्या है, क्या कहाँ तकलीफ़ है, कहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ पे दवा नहीं है, कहाँ पे बेड नहीं है, ये सारे चीज़ पे हमने पूरा ध्यान रख के और मुजफ्फरपुर में पूरा कैंप कर रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे सहूलियत दिया जाए उसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि जब आपने मांग की, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि बिहार में लॉकडाउन लगे स्थिति को देखते हुए, लेकिन बावजूद इसके लॉकडाउन नहीं लगा, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब कल हाईकोर्ट का की टिप्पणी हुई, हाईकोर्ट ने कहा कि आप कुछ एक्शन लीजिए नहीं तो हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, उसके बाद लॉकडाउन लग रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव में लिया गया निर्णय तो नहीं, क्या लगता है? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें दबाव वाली बात नहीं है। रहा सबका अपना अपना व्यू होता है और कोई भी चीज़ सबके सहमति से सब चीज़ होता है और आज आवश्यकता गिरा तो मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लेके, अब देखिएगा देश में बहुत ऐसे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगा है, बहुत ऐसे राज्य में 15 दिन पहले ही लॉकडाउन लग गया, 10 दिन पहले ही लग गया, आज बिहार में जरूरी गिरा है तो बिहार में लग गया है और इस पर हम लोग मजबूती से काम करें, पूरे बिहार पर नज़र रखे हैं और जहाँ जिनको जो जवाबदेही मिला उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ये सब नहीं देखने की आवश्यकता, मुख्यमंत्री जी वो हमेशा हमेशा कोशिश किए, हमेशा रोज बैठ रहे हैं, एक एक चीज़ को जानकारी ले रहे हैं और उनको लगा तो निर्णय लिए जी। आप मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, वहाँ प्रभारी बनाए गए हैं, ऐसे में आज से पहले क्या आप मुजफ्फरपुर गए थे या फिर आज पहली बार जा रहे, क्या कुछ परेशानी है वहाँ पर, क्या देख के आया हूँ? आज भी जा रहा हूँ और रोज़ वहाँ पर हमारा मिनट टू मिनट हम वहाँ की जानकारी ले रहे हैं, जहाँ पर जो समस्या है उसको दूर कर रहे हैं और जहाँ ये तो देख ही रहे हैं कि अचानक ये आया हुआ समस्या है, इसमें हर तरह से परेशानी है और जितना अच्छा काम हो रहा उससे और भी अच्छा करने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे उस पर हम लोग भी पिछली बार जिस तरीके से कोरोना पे विजय पाया था इस बार भी हम लोग विजय पाएंगे और कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं कि इसको भापने में हम लोगों से कमी हो चुका है, सही समय पर सही डिसीजन सब नहीं लिए इसलिए ये सब चीज़ें हुआ है, तो आने वाले समय में ये सब गलती नहीं होगा। धन्यवाद। तो आने वाले वक्त में कुछ कमी नहीं होगी, साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री का कहना है और इन्होंने साफ तौर पे कहा जो लक्षण था हमें पहचानने में थोड़ी देरी हो गई, इतना नुकसान हुआ, लेकिन बावजूद इसके हम जो सिचुएशन है उसे संभालेंगे और आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है वह समय रहते हुए फैसला नहीं लिया गया ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन जो मुख्यमंत्री को सही लगा रिसर्च के आधार पर ही उन्होंने फैसला लिया है और लॉकडाउन की घोषणा की है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें डीटीवी भारत। बिहार में नीतीश सरकार के लॉकडाउन के फैसले का स्वागत किया जा रहा है, इसी कड़ी में हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीबों मजदूरों का ख्याल रखे जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने देश के अन्य राज्यों को भी नीतीश सरकार से सीख लेने की नसीहत दे डाली है। हमारी पार्टी लगातार लॉकडाउन को लेकर ये बात कहती आई है कि लॉकडाउन में रोजमर्रा के जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनका ख्याल रखा जाए। आज बिहार सरकार की तरफ से लॉकडाउन की घोषणा के बाद गाइडलाइन जारी हुई है और गाइडलाइन में एक चीज स्पष्ट है कि डेली वेजेस के जो मजदूर हैं उनका काम, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा, मनरेगा का काम बेदस्तूर चलता रहेगा, साथ ही साथ जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, टमटम चालक हैं, उनके लिए अलग से उनके और उनके परिवार के लिए सामूहिक किचन का भी निर्माण किया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मैं नीरज कुमार वेदपुरिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पारस HMRI हॉस्पिटल से। इस कोरोना संक्रमण के दरमियान मैं एक छोटा सा मैसेज आप सबों को देना चाहूँगा कि
कि इस विकट परिस्थिति में धैर्य की जरूरत है। जैसे बहुत सारे बड़ी बड़ी महामारियां आई और गई, वैसे ये भी महामारी जाएगी। अपने मानसिक स्वास्थ्य पे कभी भी ये बात ना हावी होने दें कि ये बीमारी बहुत बड़ी है और हम इस पे विजय हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मन अगर मजबूत है, शक्तिशाली है, तो हमारा शरीर कितना भी कमजोर हो जाए वो रिकवरी हासिल कर सकता है। वो है सपनों का सौदागर, वो फ्लैट के नाम पर करता है फर्जीवाड़ा। रेरा के खाते सीज करने से पहले सारे पैसे कर चुका है कहीं और ट्रांसफर। वो जदयू का है महासचिव, पुलिस से मिलकर न्यायालय को भी कर रहा है गुमराह। एक नहीं कई ग्राहकों ने बताई है उसकी कारिस्तानी। पूरे सबूत के साथ उसके हर राज पर से उठेगा पर्दा। टीवी भारत जल्द करेगा उसे बेनकाब। देखिए हमारा खास कार्यक्रम क्राइम कंट्रोल में बिल्डर की बदमाशी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है डीटीवी भारत में। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बिहार में 15 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद लॉकडाउन की खबर सुनते ही जमुई के बाजारों में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। लोग सड़कों पर भीड़ लगाकर कोरोना को दावत देने में लगे हैं। जमुई जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर भी लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। बता दें कि जमुई जिले में 1500 से ऊपर एक्टिव मामले हैं। इधर जिला प्रशासन भी लगातार संक्रमण के मामले को रोकने के लिए सख्त रवैया अख्तियार कर चुका है। मधुबनी में बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजारों में अचानक खरीदारों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के हर चौक चौराहों पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। हर चौक चौराहों पर जाम ही जाम का नजारा देखने को मिल रहा था। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आप सबको पता है बिहार में अब 15 मई तक का लॉकडाउन लग गया है, लेकिन लॉकडाउन की खबर सुनते ही बिहार के कई जिलों में लोग सड़क पर उतरकर अनचाहे तरीके से भीड़ उत्पन्न कर रहे हैं, कोरोना वायरस संक्रमण को दावत दे रहे हैं। और ये तस्वीर मधुबनी की है, जहां पर लॉकडाउन की खबर सुनकर बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। गया में जाप जिलाध्यक्ष विनोद मरांडी अपने समर्थकों के साथ जिले के परैया, गुरारू और गुरुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। साथ ही गुरारू प्रखंड के स्वास्थ्य प्रबंधक राजीव कुमार रंजन को गुलदस्ता देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। परैया आते ही के साथ जब हिला तो मैंने एक तड़पते हुए अपने आंखों से देखा मरते हुए, जो आप लोग भी वहां थे, एकदम मैंने मेरे सामने आंखों से देखते मैंने तड़पते मर गया। जब मैंने पूछा कि भाई प्रभारी कहाँ है, तो प्रभारी 3 दिन से नहीं आए। मैंने पूछा कि भाई यहाँ मैनेजमेंट को देख रहा है, तो 2 दिन से नहीं आए। मैनेजर साहब मतलब 2 दिन से नहीं आए। औरंगाबाद में 29 अप्रैल को जिला प्रशासन के द्वारा आईसीयू शुरू करने की घोषणा के बाद भी लगभग एक हफ्ता बीत गया, लेकिन व्यवस्था अब तक धरातल पर नहीं उतरी और आईसीयू के अभाव में कई मरीजों के इलाज के अभाव में मौत भी हो गई, जिसके बाद डीटीवी के संवाददाता रुपेश ने इसकी पड़ताल की और अस्पताल प्रशासन से जाना कि क्या मजबूरियां थीं कि अब तक जिला प्रशासन की घोषणा के बाद भी आईसीयू क्यों नहीं बना। जनरल वार्ड हाई डिपेंडेंसी यूनिट उससे बहुत अलग होता है, तो कई बार बहुत चीज़ें नहीं होती हैं, इसके लिए ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होता है। और हम ये मुझे गवर्नमेंट तो महसूस कर रहा हूँ कि पटना से जो टीम आई, जो भी यहाँ जरूरी गैजेट्स थे, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे बाईपैप हो, या इन्फ्यूजन सेट हो, या ऑक्सीजन की डिलीवरी हो हाई फ्लो, ये सारी चीज़ों पर मतलब 2-3 दिनों के अंदर रिगरस यानी कि बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग होकर के सब लोग अभी सब अच्छे से ट्रेन होकर के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आ जाते हैं 2 दिन के अंदर, हम लोग इसको अच्छे से सर्विस देने के लिए तैयार हैं।
रक्सौल के स्थानीय अनुमंडल स्थित सभागार में विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में रक्सौल में कोविड केयर सेंटर बने एसआरपी हॉस्पिटल, डंकन अस्पताल और हजारीमल उच्च विद्यालय में बने तत्कालिक अस्पताल की स्थिति का जायजा लिया गया। वहीं इस बैठक में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त करने की ओर इशारा किया गया। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों और प्रदेश में हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ी पहल की है। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने रांची जिले के अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर तत्काल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है और कहा है कि यह सुविधा धनबाद और जमशेदपुर में भी जल्द शुरू होगी। आपको बता दें कि संजीवनी वाहन 24/7 ऑपरेशन मोड में रहेगा। सबको मालूम है पूरा देश कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, हमारा राज्य भी अछूता नहीं और हमारे झारखंड प्रदेश में निरंतर इस संक्रमण पर नजर सरकार रखी हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैद है, सभी जिलों से लेकर पूरे राज्य के हर कोने में आज हमारे संक्रमित लोगों की सेवा में दिन रात पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लग चुका है, जिसके बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में काम कर रही है और इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने हरकत में आते हुए लखीसराय के अपर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार और ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रदेव मंडल के नेतृत्व में अनाधिकृत रूप से दवाओं की बिक्री कर रहे दवा दुकानों को सील कर दिया, जिससे शहर के दवा कारोबारियों में हड़कंप मचा है। दवा दुकानदारों पर यह भी आरोप है कि वे प्रिंट रेट से भी अधिक कीमतों पर दवाओं की बिक्री कर रहे थे। बिहार में एक ओर जहां लोग कोरोना से लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सूबे में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला राजधानी पटना का है, जहां चोरों ने एक कोरोना संक्रमित पत्रकार के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पत्रकार का घर 10 दिन से बंद था, जिसे चोरों ने अपना शिकार बनाते हुए 8 लाख के जेवरात और 2.25 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में अपराधी ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक पैसों के लेन देन में इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर उपकारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक कैदी राजेंद्र सिंह हत्या के एक मामले में सजा काट रहा था। बीते शाम उसकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर सही से इलाज नहीं करवाने का आरोप लगाया है। इधर जेल प्रशासन ने किसी भी तरह के आरोपों से पल्ला झाड़ दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, यहां में दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।